हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। सो गाइज, आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल लार्वी, यानी कि जो हमारे एनिमल किंगडम है, जंतु जगत के जितने भी लार्वी हमसे पूछे जाते हैं, आज उन सभी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फाइलम वाइज मैंने फाइलम के हर एक एनिमल को लिया, उसके मतलब उसके जितने भी बनने वाले लार्वी हैं, कितनी लार्वा फॉर्म्स के अंदर पाई जाती हैं, उन सभी बातों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आप यहाँ मेंशन भी किया, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, यानी कि सिक्वेंस डिस्कस करेंगे। जो भी सिक्वेंस है हमारे फाइलम्स का, उसमें जितने भी आने वाले एनिमल्स हैं, उससे बनने वाले जितने भी लार्वी के क्वेश्चंस हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे, हर एक लार्वा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पेपर की पॉसिबिलिटी हमारे TGT PGT के एग्जाम्स की वो लगाई जा रही है कि पेपर जो है हमारा दिसंबर में भी हो सकता है। कुछ संभावनाएं ऐसी भी कि जनवरी में तो ले ही लिया जाएगा पेपर, तो बस फोकस अपना इस बात पर करें कि हम कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लगे रहें अपनी पढ़ाई पर। इस बात का वेट मत करना कि पेपर की डेट अनाउंस होंगी तब उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि उस टाइम कंडीशंस आपके हिसाब से होंगे, ये जरूरी तो नहीं है। फैमिली इशूज़ हो सकते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि हमारी पढ़ाई उस हिसाब से होगी। तो इसलिए अभी का टाइम हमारे पास है, तो अभी हम बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आपको बहुत हेल्पफुल चीज़ें मिल जाती हैं, आपके पास बुक्स भी होंगी, तो बस अपने कंसेप्ट फोकस करें, फोकस इस बात पर रखें कि बस सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो, हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, बस उस बात पर फोकस रखें। यार, पेपर ले लिया जाएगा, जब डेट अनाउंस कर दी जाएगी, जो आपसे एक बात बताइए, फॉर्म भर दिए गए हैं तो डेट भी अनाउंस हो ही जाएगी। फोकस इसी बात पर रखें कि बस पढ़ाई अच्छे से करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे सभी फाइलम्स के लार्वीज के बारे में, जितने भी एनिमल्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। फाइलम पॉरीफेरा के अंदर जो हमारे एग्जाम्स में हमको सिलेबस में टॉपिक दिए गए, वो हमारे ल्यूकोसुलेनिया भी है और साइकोन भी है। तो इनसे बनने वाले लार्वी को हम इंपॉर्टेंट है कि देख ले। सबसे पहले ल्यूकोसुलेनिया के बारे में अगर बात करते हैं, ल्यूकोसुलेनिया बेसिकली क्या है? स्पंज है। इसका लार्वा हमसे कई बार पूछा गया है। तो ल्यूकोसुलेनिया के लार्वा दो होते हैं, मतलब कि अनदर नेम है, सॉरी, ल्यूकोसुलेनिया का लार्वा होता है पेरिनकाइमुला। याद रखना, बिल्कुल भी इस चीज़ को स्किप मत कर देना, मैं जो भी पॉइंट बता रही हूँ उसके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट्स बना लें। ल्यूकोसुलेनिया का लार्वा होता है पेरिनकाइमुला, और इस पेरिनकाइमुला के एक अनदर नेम होता है जिसका नाम है स्टीरियोग्लैस्टुला। स्टीरियोग्लैस्टुला कहें या फिर पेरिनकाइमुला कहें, जो भी आपको ऑप्शन में दिखे, सिंगल ही दिखेगा तो आपको टिक यही करके आना है। ल्यूकोसुलेनिया का लार्वा क्या होता है? पेरिनकाइमुला। और ये दोनों ही चीज़ें जितने भी एनिमल किंगडम के सेशन हैं वो सभी मैंने आपको करा दिए गए हैं, इसलिए प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, वहाँ जाकर आप सभी सेशंस ले सकते हैं। सेकेंड बात अगर हम करें साइकोन के बारे में, साइकोन स्पंज है, अगेन फाइलम पॉलीफेरा से बिलोंग करते हैं ये। इनका जो लार्वा, साइकोन के लार्वा की अगर हम बात करें, साइकोन का एक इंपॉर्टेंट लार्वा होता है जिसका नाम है एम्फीब्लास्टुला। तो साइकोन का लार्वा की अगर बात की जाएगी तो क्या होगा साइकोन का राइट ऑप्शन? वो होगा आपका एम्फीब्लास्टुला। और ल्यूकोसुलेनिया की बात करें तो क्या होगा? पेरिनकाइमुला। याद हो गए दोनों, आगे बढ़े। चलो फाइलम सिलेंटेटा की तरफ चलते हैं, हमारा ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका है। तो फाइलम सिलेंटेटा का अनदर नेम क्या होता है? फाइलम सिलेंटेटा कहें या फिर फाइलम निडेरिया कहें, निडेरिया मतलब इसके पास नेटल सेल्स होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी है कॉन्सेप्ट्स में, तो इसे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, सिर्फ हम लार्वी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जितने भी सेशंस हैं वो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करा चुकी हूँ। आप, मैं अगेन बोल रही हूँ कि आप पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ जाकर सभी सेशंस हर एनिमल के बारे में मैंने डिस्कस कराया हुआ है, वहाँ जाकर आप पूरी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो फाइलम सिलेंटेट कहें फिर निडेरिया कहें, सेम ही बात होती है। तो फाइलम सिलेंटेटा से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो किस किस एनिमल से बनते हैं ये पहले देख लेते हैं। तो हाइड्रा के बारे में पूछा जाता है, ओबेलिया के बारे में पूछा जाता है, ऑरेलिया के बारे में पूछा जाता है। तो इसके इंपॉर्टेंट एनिमल कौन से फाइलम सिलेंटेटा के? तीन एनिमल, जिसमें कि जो हाइड्रा है इसके अंदर कोई भी लार्वा स्टेज नहीं होती है, तो इससे क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। सेकेंड अगर हम बात करें ओबेलिया के बारे में, और थर्ड बात करें ऑरेलिया के बारे में। ऑरेलिया जिसको कि हम जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं, ऑरेलिया में जो है ना लार्वा स्टेज कई सारे हो, जिसमें कि इंपॉर्टेंट पता है क्या है? जेलीफिश यानी कि ऑरेलिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसका लार्वा होता है इफायरा। इफायरा बेसिकली एक नॉर्मल स्टेज जो कि इनकी लाइफ साइकिल में पाई जाती है। ऑरेलिया की लाइफ साइकिल में कौन सा स्टेज होती है लार्वा स्टेज, इंपॉर्टेंट कौन सा है? इफायरा। लेकिन उसके बाद एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन बने और हमसे मिस ना हो, क्योंकि देखो डिटेल में डिस्कस कराते हैं भाई, हमारे चैनल पर जो भी जानकारी ऑथेंटिक दी जाती है किसी भी कंसेप्ट के बारे में हो, तो इसलिए बस फोकस हम इस बात पर रखते हैं कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, बस सेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि
देखो इसमें क्या होता है, ऑरेलिया में जो जाइगोट बनते हैं वो डेवलप होते हैं एक फ्री स्विमिंग लार्वा में। फ्री स्विमिंग कैसा लार्वा? सीलिएटेड लार्वा, जिसका नाम होता है प्लैन्युला। तो यदि आपको ऑप्शन दिखे ना कि ऑरेलिया के लार्वा प्लैन्युला भी होता है, तो हाँ भाई बात बिल्कुल सही है। यदि आपको वहाँ इफायरा ना मिले तो वहाँ प्लैन्युला मिल जाए, तो वहाँ आप ऑप्शन टिक करके आना। बिकॉज सबसे स्टार्टिंग स्टेज जो होती है, सबसे पहले जो जाइगोट डेवलप होता है वो किस में होता है? सीलिएटेड प्लैन्युला लार्वा में। बाद में वो सेटल हो जाता है, किसी सतह जाकर चिपक जाता है और डेवलप किस में हो जाता है? एक हाइड्रा की तरह एक पॉलिप स्टेज बन जाती है। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोट्यूबा। तो हाइड्रोट्यूबा भी इसका लार्वा होता है। उसके बाद हाइड्रोट्यूबा के बाद कंडीशन क्या हो जाती है? वो खाना पीना खाता है, मतलब फीड होता है और ग्रो होता है। किस में ग्रो हो जाता है? पॉलीपोइड फॉर्म में, जिसका नाम होता है स्काइफिस्टोमा। तो इसके कई सेलुलर फॉर्म हो, जैसे कि प्लैन्युला भी है, हाइड्रोट्यूबा भी है और स्काइफिस्टोमा भी है। ठीक है, ये किसके फॉर्म्स होते हैं? सभी ऑरेलिया के फॉर्म्स होती हैं, यानी कि हमारी जेलीफिश के। अब एक बात याद रखना है, जो स्काइफिस्टोमा से जो इफायरा का प्रोसेस होता है ना बनने का, उससे कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि सीधे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्ट्रोबाइलेशन क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इफायरा, यानी कि इफायरा लार्वा बना, ये किससे बनता है? स्काइफिस्टोमा लार्वा से। तो इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? तो भाई ये जो प्रोसेस है इसका नाम होता है स्ट्रोबाइलेशन। स्ट्रोबाइलेशन का बनना क्या कहलाता है? स्ट्रोबाइलेशन कब बनता है? स्ट्रोबाइलेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू निर्माण होता है इफायरा लार्वा का। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए मैंने यहाँ नोट डाउन कराई है ताकि आपको कोई भी चीज़ें यहाँ मिस ना हो। ठीक है, तो इफायरा बेसिकली क्या है? इफायरा जो है ऑरेलिया की लाइफ साइकिल में एक इंपॉर्टेंट लार्वी है, जो कि कैसे बनता है ये मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओबेलिया के बारे में, ओबेलिया मतलब ओम प्रकाश के नाम से याद रखना, ओ मतलब ओबेलिया, पी मतलब प्रकाश। ओबेलिया का जो लार्वा होता है वो होता है प्लैन्युला। ओबेलिया का सिंगल लार्वा जिसका नाम होता है प्लैन्युला। तो ओबेलिया किसका? सिलेंट्रेट का एक एनिमल। इसका नाम क्या होता है लार्वी का? प्लैन्युला। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड फाइलम पर हम लोग आ चुके हैं, जिसका नाम होता है फाइलम प्लैटीहेलमिंथी, जिसको कि हम फ्लैट वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट एनिमल है वो होता है फैस्यूला, स्टीनिया, जो भी मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। अगेन फैस्यूला क्लास, जो फैस्यूला जो एनिमल है, मतलब फैस्यूला इसका एक एनिमल है फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज का, ये आते हैं क्लास कैस्ट्रोडा के अंदर। कैस्ट्रोडा क्लास के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं सारे होते हैं एंडोपैरासाइट, जो कि इन वर्टिब्रेट्स के, मतलब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर कहाँ रहते हैं? उनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सर्वाइव करते हैं। ये सभी इनको, मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ना किसी न किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो याद रखना है कैस्ट्रोडा क्लास के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं सारे कैसे होंगे? एंडोपैरासाइट, यानी कि वो अपना खाना पीना जो भी लेंगे वो होस्ट से लेते हैं। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर सिंगल लार्वी फॉर्म नहीं होती है। इसके अंदर जो लार्वी फॉर्म होती है वो कैसी होती है? वो होती है आपकी मतलब कि कई सारे लार्वी फॉर्म होती है फैस्यूला के अंदर, जैसे कि मेरिसीडियम है, स्पोरोसिस्ट है, रेडिया है, सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया। ठीक है, याद रखना है एक एक पॉइंट अच्छे से। हम इसकी जो ट्रिक बताते थे, मतलब जो हम पढ़ते हैं बीएससी वगैरह में, तो भी ट्रिक बनाते हैं इसकी, वो होती है मिस आरसी मेहता। ठीक है, मिस आरसी मेहता, आप भी टिक मतलब बताई होगा आपको इस बात के बारे में। तो मिस मतलब कि मेरिसीडियम, एस मतलब स्पोरोसिस्ट, आर मतलब रेडिया, सी मतलब सर्केरिया और मेहता मतलब कि मेटा सर्केरिया। मल्होत्रा बनाए, मेहता बनाए, मैम बनाए, कुछ भी बनाना, लेकिन टिक जरूर बनाना, ताकि क्योंकि इसके कई सा लार्वी फॉर्म होते हैं, तो कहीं मिस ना हो जाए आपसे कोई सा। एक बात याद रखें, जो इसका फैस्यूला है, बेसिकली जो फैस्यूला होता है ये होता है आपका फैस्यूला डाइजेनेटिक है, यानी कि इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए तो वर्टिब्रेट की जरूरत होती है और एक होती है इनवर्टिब्रेट की जरूरत। ठीक है, तो सेकंड जो इसका सेकंड स्टेज, सेकंड होस्ट के लिए जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज सबसे ज़्यादा वो होती है मेरिसीडियम, जो कि सबसे घातक होती है, मतलब सबसे घातक लार्वा फॉर्म के बारे में पूछा जाता है। तो कौन सी होती है सेकंड होस्ट के लिए? वो होती है मेरिसीडियम। और फर्स्ट होस्ट के लिए जो, मतलब कहते हैं ना, खतरनाक स्टेज जो होती है वो होती है आपकी मेटासर्केरिया। तो इसलिए मैंने दोनों बातों को आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड एनिमल के बारे में, जो कि हमारा है टीनिया। टीनिया के भी कई सारी लार्वा स्टेज होती हैं, जैसे कि सबसे पहला है ऑनकोस्फेयर, वो ये भी इसकी टीनिया की क्या होती है? लार्वा स्टेज होती है। फिर होती है हेक्साकेंथ, हेक्साकेंथ का मतलब है हेक्साकेंथ लार्वा जो है इसमें 6 हुक्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है हेक्साकेंथ। और थर्ड होती है सिस्टिसर्कस। सिस्टिसर्कस का एक अनदर नेम भी है जिसका नाम होता है ब्लैडर वॉर्म। ठीक है, तो टीनिया की भी कई सारे लार्वा स्टेज हैं और फेसियोला की भी, जो मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। तो एक एक पॉइंट को प्लीज नोट करते चलना, इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर चले, क्योंकि रिवीजन टाइम पर आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और रिवीजन टाइम पर मैं जितनी भी पीडीएफ्स हैं मेरे, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सबकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन सिर्फ ये उनके लिए होगा जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो इतनी मेहनत, इतना सपोर्ट हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम उनके लिए थोड़ा तो बनता है। जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइलम एस्केलमेंथीज के बारे में,
फाइलम एस्केलेमेंथीज पर हम लोग पहुंच चुके हैं। फाइलम एस्केलेमेंथीज का एक इंपॉर्टेंट एनिमल है जिसका नाम होता है एस्केरिस। तो एस्केरिस का लार्वा हमसे कई बार पूछा गया है। तो एस्केरिस का लार्वा होता है रैपिडिफॉर्म लार्वा, बिकॉज इसकी जो रिजेंबलेंस है वो रैपिडिटी से मिलती है, इसका नाम रख दिया गया है रैपिडिफॉर्म लार्वा। तो एस्केरिस का लार्वा कौन सा होता है? रैपिडिफॉर्म लार्वा। नेक्स्ट, फाइलम एस्केलेमेंथीज का एक अनदर एनिमल है जिसका नाम होता है वोचेरिया ब्रैंकॉफ्टी। वोचेरिया ब्रैंकॉफ्टी का लार्वा होता है माइक्रोफाइलेरिया। तो माइक्रोफाइलेरिया ऑप्शन में है, तो क्या लगा के आना है? माइक्रोफाइलेरिया किसका लार्वा होता है? माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है वोचेरिया ब्रैंकॉफ्टी का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं फाइलम एनिलिडा के बारे में। तो हम अपने फाइलम एनिलिडा पर आ चुके हैं जिसका नाम है फाइलम एनिलिडा। हम कई सारे डिस्कस करते हैं जिसका नाम है, जैसे कि हम अर्थवॉर्म पढ़ते हैं, जैसे कि हम हिरुडिनेरिया पढ़ते हैं, जैसे कि हम निरीज पढ़ते हैं, ये हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। लेकिन जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई लार्वा स्टेज नहीं होती है। वहीं अगर हम बात करें हिरुडिनेरिया की, तो हिरुडिनेरिया में भी कोई भी लार्वा स्टेज नहीं होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें निरीज की, तो निरीज में बनता है, निरीज में बनती कौन सी लार्वा स्टेज होती है? निरीज में अगर पूछ जाए आपसे, तो निरीज का लार्वा कौन सा होता है? ट्रोकोफोर। तो ट्रोकोफोर लार्वा किसकी खासियत होती है, किस फाइलम की खासियत? तो एक खासियत होती है दो लार्वा, मतलब कि दो फाइलम्स की, जैसे कि मोलस्का का भी ये है और ये एनिडा का भी है। ठीक है, तो याद रखना है हमको बहुत अच्छे से। तो निरीज का लार्वा कौन सा? निरीज का लार्वा होता है ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कई सारे एनिमल्स है जो कि हमसे पूछे जाते हैं, इनके लार्वा हमसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मस्का के बारे में, यानी कि हाउस फ्लाई का क्या होता है, नाम क्या है इसका? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, इसका हाउस फ्लाई का लार्वा अगर आपसे पूछ ले जाए तो क्या होता है लार्वा? लार्वा होता है इसका मैगट। तो मैगट लार्वा किसका होता है? मक्खी का, यानी कि हाउस फ्लाई का। नेक्स्ट, वही फाइलम आर्थ्रोपोडा में सेकंड एनिमल है मॉस्कीटो। मॉस्कीटो का आप सभी लोग जानते होंगे, मॉस्कीटो का लार्वा होता है रिगुलर लार्वा। तो रिगुलर लार्वा ऑप्शन में देखे तो क्या लगा के आना है? सिर्फ मॉस्कीटो। मॉस्कीटो किसका लार्वा होता है? रिगुलर लार्वा। किसका लार्वा है ये? मॉस्कीटो का। लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता है मॉस्कीटो के बारे में, दो हमसे पूछी जाती है। सबसे पहले तो लार्वा ही पूछा जाता है, और सेकंड बात इसका प्यूपा भी हमसे पूछा जाता है। प्यूपा का नाम होता है टम्बलर। प्यूपा का नाम क्या है? टम्बलर। और लार्वे का नाम क्या होता है? रेगुलर। दोनों बातों में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अभी दोबारा से रिपीट करते हैं, लार्वा अगर पूछे तो रेगुलर, प्यूपा अगर पूछे तो टम्बलर। दोनों ही बातों को गांठ बांध देना, बिल्कुल एक एक पॉइंट को डिस्कस में हम यहाँ कर रहे हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए प्रिपेयर किए पॉइंट। तो बस इतना करना है कि सभी पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में रख लेने के पॉइंट को, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हर हाल में हमको लगा के आना है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है हनी बी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हनी बी है। हनी बी यानी कि मधुमक्खी जो होती हैं, उसका लार्वा हमसे कई बार पूछा जाता है, जो कि हमारा ग्रब लार्वा। तो ग्रब लार्वा किसका होता है? हनी बी लार्वा होता है। किसका है ये ग्रब लार्वा? हनी बी का। ठीक है, हनी बी मैं आपको डिस्कस करा चुकी, पूरा सेशन मैं आपको कराया, आप जाकर ले लेना। सिल्क मॉथ नेक्स्ट एनिमल है। सिल्क मॉथ जो कि किससे है? फाइलम आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करता है। सिल्क मॉथ लार्वा किसका होता है? इसका लार्वे का नाम क्या होता है? लार्वा कहें फिर कैटरपिलर कहें, किसका? सिल्क मॉथ का। तो वो क्या होता है? सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म किसका लार्वा है, या फिर कैटरपिलर किसका है? सिल्क मॉथ का, जिससे हमको सिल्क मिलती है। ठीक है, कहाँ से मिलती है? उसके कोकून वाले फॉर्म से। नेक्स्ट अगर बात की नोपिलस लार्वा की, तो नोपिलस लार्वा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे हर बार मतलब कि कुछ ना कुछ तरीके से पूछ ले ही जाता है कि नोपिलस लार्वा किसका है। नोपिलस लार्वा जो है बेसिकली क्रस्टेशंस क्लास होती है आर्थ्रोपोडा की, जिसके अंदर क्रैब्स आते हैं, लोबस्टर्स आते हैं, उसका लार्वा कौन होता है? उनका लार्वा होता है नोपिलस। तो नोपिलस लार्वा का जिक्र कई बार एग्जाम में कर लिया जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक हर एक पॉइंट को नोट करते चले। तो नोपिलस लार्वा किसका है? क्रस्टेशंस का। क्रस्टेशन क्या है? आर्थ्रोपोडा की क्लास। इसके अंदर क्या आते हैं? केकड़े वगैरह आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फाइलम मोलस्का के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइलम मोलस्का में ना कई सारे लार्वा फॉर्म होते हैं, जैसे कि फाइलम मोलस्का पर हम आ चुके हैं, बड़े सुंदर से एनिमल्स फाइलम में देखने को मिलते हैं। तो लार्वा फॉर्म्स कई सारे, जैसे कि ट्रोकोफोर लार्वा भी होता है इसमें, वेलिगर लार्वा भी होता है, और ग्लोचुडियम लार्वा भी होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि कौन सा लार्वा किस एनिमल का है। जैसे कि बात करते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, जो जितने भी काइटोन्स आते हैं ना मोलस्का में, उन मोलस्का के काइटोन्स का लार्वा क्या होता है? उनका लार्वा कहलाता है ट्रोकोफोर। वेलिगर लार्वा की अगर हम बात करें, वेलिगर लार्वा होता है पाइला का। पाइला, जिसका अनदर नेम क्या है? एप्पल स्नेल के नाम से हम इसे जानते हैं। क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर ये आता है। तो क्लास गैस्ट्रोपोडा का जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक लार्वा है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा वेलिगर लार्वा। तो वेलिगर लार्वा किसका लार्वा होता है? पाइला का। पाइला यानी कि एप्पल स्नेल कहें, पाइला कहें, सेम ही बात होती है। हमारे सिलेबस में हमको दिया गया कि मोलस्का से हमको दो एनिमल पढ़ने हैं, जो कि हैं हमारे पाइला और यूनियो। मैंने आपको दोनों ही पढ़ा दिए हैं, तो आप जाकर सभी सेशन ले लेना। फाइलम वाइज मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे बच्चों को। तो क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर पाइला आता है, जिसका लार्वा क्या है? वेलिगर लार्वा है। अगेन यूनियो की बात करें, यूनियो
का जो लार्वा होता है, यूनिको लार्वा क्या होता है, ग्लॉचीरियम लार्वा होता है, जो कि किसी फिश पर एक्टोपैरासाइट की तरह होता है। मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ फिश कौन सी है, मेंशन करना मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा पर हम लोग आ चुके हैं, जिसका जिसमें कि कई सारे एनिमल हैं, जैसे कि सी अर्चिन्स होते हैं, स्टार फिशेज हैं, बास्केट स्टार हैं, ब्रिटल स्टार हैं। तो सी अर्चिन्स जो होती हैं, यानी कि समुद्री अर्चिन जिसे हम कहते हैं, उनका लार्वा होता है दो लार्वा फॉर्म बेसिकली, एक तो होती है प्लूटियस और सेकंड होती है इकाइनोप्लूटियस। ठीक है, याद रखना है सी अर्चिन के लार्वा कौन कौन से हैं, प्लूटियस भी होता है और इकाइनोप्लूटियस भी होता है। कोई भी ऑप्शन में दिखे टिक लगा के आ जाना है, सिंपल बात, कोई ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। सेकेंड अगर हम बात करें हमारी सितारा मछली की, जो कि होती है स्टार फिश, इसके लार्वा कौन कौन से हैं, इसके भी दो लार्वा हैं, जैसे कि ऑरिकुलेरिया भी इसका लार्वा है, बाइपिनेरिया भी इसका लार्वा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमसे बनता है, तो याद रखना है ऑरिकुलेरिया बाइपिनेरिया दोनों ही लार्वा किसके हैं, स्टारफिश के होते हैं। नेक्स्ट बास्केट स्टार क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी ये बास्केट स्टार वाला क्वेश्चन मैंने उठा लिया है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से देते, बस हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, मैटर सिर्फ यही करता है ना। तो बास्केट स्टार्स या फिर जो ब्रिटल स्टार्स हैं, इनका भी इंपॉर्टेंट लार्वा होता है, जो कि है आपका ऑफियोप्लूटियस, याद रखना है। तो मैंने तीनों ही बातें आपको डिस्कस करा दी, अगेन रिवीजन कर लेते हैं एक बार क्विक तरीके से, यानी कि सी अर्चिन का लार्वा, प्लूटियस इकाइनोप्लूटियस, स्टारफिश यानी कि समुद्री मछली सॉरी सितारा मछली का लार्वा, ऑरिकुलेरिया बाइपिनेरिया, बास्केट स्टार्स ब्रिटल स्टार का, ऑफियोप्लूटियस। नेक्स्ट फाइलम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइलम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है, जिसका नाम होता है बेलेनोग्लॉसस। तो बेलेनोग्लॉसस का लार्वा हमसे कई बार पूछा गया है, उम्मीद है कि पूछा भी जा सकता है। तो इसका लार्वा होता है टॉर्नेरिया। तो टॉर्नेरिया लार्वा की अगर बात की जाए, तो टॉर्नेरिया लार्वा किसका होता है, टॉर्नेरिया लार्वा होता है बेलेनोग्लॉसस का। और बेलेनोग्लॉसस किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये फाइलम से बिलोंग करता है हेमिकॉर्डेटा से। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरोकॉर्डेट्स की तरफ मूव करते हैं, यूरोकॉर्डेट का लार्वा होता है कॉर्डेट, नहीं सी एच ओ आर आना चाहिए था ना, यूरोकॉर्डेट का लार्वा होता है टैडपोल। कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, फ्रॉग का लार्वा भी टैडपोल है और यूरोकॉर्डेट्स के लार्वा भी क्या होते हैं, टैडपोल ही जाने जाते हैं, जिनको हम ट्यूनिसेटा भी कह सकते हैं। लैम्प्रे, लैम्प्रे क्या है बेसिकली, एग्नाथा है, ठीक है, एग्नाथा फिश होती है ये। लैम्प्रे का जो वो है क्या कहते हैं लार्वा, वो होता है एम्बोसीट। लैम्प्रे का अनदर नेम क्या होता है, पेट्रोमाइजोन। कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो इसी के साथ हम जितने भी हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट जितने भी हैं, हम सबके लार्वा डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी डाउट्स हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसी के साथ साथ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कम्युनिटी सेक्शन पर डेली क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाते हैं, वो वही क्वेश्चन अपलोड करती हूँ मैं वहाँ, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है हमारे एग्जाम के व्यू से, जो कि आए हुए हैं। तो आप जरूर टिक किया करें क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।